दोस्तों अगर आप फेसबुक मैसेंजर ऐप को यूज करते हैं एंड आप फेसबुक मैसेंजर ऐप पे चैटिंग करते हैं तो जो चैटिंग का बैकग्राउंड होता है वो हमेशा आपका व्हाइट या ब्लैक ही रहता है एंड हमें मैसेंजर में ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि जिससे हम चैट बैकग्राउंड को चेंज कर सके। पर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने फेसबुक मैसेंजर ऐप का बैकग्राउंड चेंज करना है। आप चाहे तो उस बैकग्राउंड पे अपनी पिक लगा सकते हैं या कोई आप वॉलपेपर लगा सकते हैं एंड आप कुछ भी फेसबुक मैसेंजर ऐप में आप लगा सकते हैं एंड अपने जो चैटिंग सेक्शन को है उसे आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको बस ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी बिना स्किप किए। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कैसे अपने फेसबुक मैसेंजर ऐप में चैट बैकग्राउंड में कैसे पिक लगानी है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को चूज करें ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर अनुज। सो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Facebook Messenger का चैट बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। चाहे तो वहां पे आप अपनी पिक लगा सकते हैं या किसी और की पिक लगा सकते हैं या कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी फोन की स्क्रीन पे एंड मैं वहां पे आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर या कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। दोस्तों हम आ चुके अपने फोन की स्क्रीन पे एंड मैं सबसे पहले आपको अपना मैसेंजर ऐप खोल के दिखा देता हूँ। तो सो फ्रेंड देखेंगे, अभी जब आप मैसेंजर पे चैट करते हैं तो कुछ इस तरीके का ब्लैक बैकग्राउंड आपके फोन पे दिखता होगा एंड मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करके एंड अपनी पिक लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बैक एंड आपको सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। तो आपको प्ले स्टोर सिंपली ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है डिजाइनिंग टूल। ये देखिए लिख के आ गया एंड आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो सो फ्रेंड आपको कुछ इस तरीके का ऐप ये दिखेगा एंड मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे मुझे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है एंड आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा एंड इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है एंड इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो सो फ्रेंड आप जब भी डिजाइनिंग टूल को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा एंड इंटरफेस दिखेगा आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे दो स्क्रीन टाइप दिखेंगे, एक लैंडस्केप एंड दूसरा पोर्ट्रेट। एंड तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन पे लगाना है तो इसलिए आपको पोर्ट्रेट वाला चूज़ करना है एंड पोर्ट्रेट वाले जो प्लस आइकन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो सो फ्रेंड ये आपको अपनी गैलरी पे ले जाएगा एंड गैलरी पे ले जाने के बाद आपको अपनी एक पिक चूज़ कर लेनी है, जैसे कि मैंने ये देखिए चूज़ कर लिया है। एंड आपको क्या करना है, अब नीचे देखेंगे ओबेसिटी लिखी हुई है एंड ओबेसिटी अपने हिसाब से आपको जितनी भी चाहिए, कम चाहिए तो आप कम पे सेट कर लें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पे सेट कर लें, क्योंकि यही आप डिपेंड करता है ओबेसिटी की, आपको बैकग्राउंड में आपकी जो फ़ोटो है वो कितनी दिखनी चाहिए। अगर आप इसे फुल कर देंगे तो आपको फुल दिखेगी एंड अगर आप इसे कम रखेंगे तो कम दिखेगी एंड अगर आप इसे कम ही रखेंगे बिल्कुल तो आपको बिल्कुल कम दिखेगी। एंड आप ऊपर देख सकते हैं मेकअप ओवरली एंड इसे कर देना है ऑन एंड ऑन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगता है, आप इसे कर दीजिए अलाउ एंड अलाउ करने के बाद आप बैक आ जाइए। अब बैक आने के बाद अब आपका इस ऐप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड कंप्लीट होने के बाद आपको आ जाना है अपने मैसेंजर पे, मैसेंजर बैकग्राउंड पे। एंड सो फ्रेंड देखिए मैंने अपना खोल लिया, देखिए आप मेरी जो पिक है वो अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है एंड ज़्यादा नहीं दिख रही। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से आपको उसी ऐप पे चले जाना है एंड आपकी जो ओबेसिटी है उसे आपको बढ़ा देना है। मैं इसे फुल कर देता हूँ तो देखेंगे आप कि बैकग्राउंड में जो मेरी पिक है वो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखने लगी है। सो फ्रेंड कुछ आप इस तरीके से अपने फेसबुक मैसेंजर में चैट बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं या आप चैट बैकग्राउंड में अपनी पिक लगा सकते हैं। दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से अपने फेसबुक मैसेंजर ऐप का चैट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।
अगर आप डिजाइनिंग टूल को सर्च करके डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया एंड आप वहां पे जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर ये ट्रिक आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो कर दिए लाइक, एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साइड में दिख रहा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को चूज करें, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड लेटेस्ट टिप एंड ट्रिक के वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।